उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के घटक दल सोहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दिया है। वाराणसी में शराबबंदी के समर्थन की मांग पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शराब तो सब पीते हैं, इसमें यादव और राजपूत सबसे ज्यादा पीते हैं, यह उनका पुश्तैनी कारोबार है। राजभर का कहना था कि शराबबंदी समाज के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि शराब से बहुत नुकसान होता है। ओम प्रकाश राजभर ने मिसाल देते हुए कहा कि उस माँ के पास जाइए जिसके चार बेटे हैं और वो शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि इस दर्द को वो ही महिलाएं समझ सकती हैं जो इस स्थिति का सामना कर रही हैं। राजभर ने दावा किया कि वे 15 साल से शराबबंदी की वकालत कर रहे हैं। राजभर ने शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश और समाज को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि शराब का सेवन यादव और राजपूत समाज करता है और यह उनका पुश्तैनी कारोबार है। राजभर के इस बयान पर राजपूत और यादव समाज ने जमकर विरोध किया है। इस बयान के विरोध में समाज के लोगों ने राजभर के घर के आगे प्रदर्शन करते हुए पत्थरबाजी की। इस समय सबसे ज्यादा आरोप तो राजभर के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा दारू यादव पीता है, राजपूत पीता है, क्योंकि उसका पुश्तैनी वो कारोबार है, पीने का शौक। ऐसा नहीं है, राजभर भी पीता है, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, सारी जाति के लोग पीते हैं। आप इस दुख को देखना है तो आप उस माँ के पास जाओ जिसके पास चार बच्चे हैं, आप उस बहन के पास जाओ, उस बेटी के पास जाओ जिसका भाई, जिसका परिवार, जिसका पति शराब पी करके आता है, और अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को क्या क्या कहता है वो जानती है, वो झेलती हैं, उनको कष्ट है। उस कष्ट को हमने समझा। मैं 15 साल से कह रहा हूं कि ये चीज बंद होना चाहिए। ये सपा बसपा में हम लोग सत्ता से बाहर रह के कहते थे तो